हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के लिए एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है। दिल्ली एयरफोर्स कैंटीन में विभिन्न तरह के पोस्ट के ऊपर रहने वाला है, हेल्पर के लिए, बिलिंग क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क और सफाई वाला। तो इन सभी पोस्ट के लिए ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए फ्रेंड्स, 10वीं पास, 12th पास और ग्रेजुएट सभी के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो हेल्पर की पोस्ट होती है ना, उसके लिए 10th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बिलिंग कलर के लिए 12th पास आउट, साथ ही साथ टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए 25 से 30 वर्ड्स पर मिनट का। अकाउंट्स कलर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, बट आपका बीकॉम होना चाहिए। सफाई वाला के लिए हाउस कीपिंग स्किल्स होना चाहिए, मतलब साफ सफाई का आपका स्किल टेस्ट होगा कि आप ढंग से कर पाते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग बाकी की डिटेल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, दोनों ही चीज़ मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे। जाइए वहाँ से डाउनलोड करके थॉरो आउट रीड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। फ्रेंड्स देखिए, ये आपका ऑफलाइन वैकेंसी है जिसके लिए आपको पोस्ट के माध्यम से भेजना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। 24 मई से स्टार्ट है और लास्ट आपका जो तारीख है ना, 10 जून रहने वाला है। तो 10 जून तक आप अपना एप्लीकेशन जल्द से जल्द अप्लाई कर दे, ताकि आपका जल्दी से वहां पर पहुंच जाए, तभी आगे कुछ प्रोसेस हो पाएगा। फॉर्म की फीस 0 रुपीज़ है, सभी कैंडिडेट से कोई फी नहीं लिया जा रहा है। रही बात की एज लिमिट क्या रहेगी, तो आपका सबसे पहले बात किस डेट से काउंट होगा, 1 मई 2024, मतलब 1st of May 2024 के रिगार्डिंग आपका 18 to 32 years रहेगा। रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 years का मिलता है और SC ST को 5 years का। ये रिलैक्सेशन आपको अपर एज लिमिट में मिलता है। आप जान लेते हैं कि व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस, किन किन स्टेज से गुजरेंगे ना, तब आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, पहले स्टेज पर रिटन एग्जाम होगा ये दोनों पोस्ट के लिए, बिलिंग क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क के लिए। स्किल टेस्ट आपका सफाई वाला का होगा, हेल्पर का होगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, स्किल टेस्ट से बस आपका सिलेक्शन इन दोनों पोस्ट के लिए होगा, लेकिन अगर आप क्लर्क की पोस्ट की बात करेंगे, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, DV और मेडिकल होगा। आई होप कि चारों पोस्ट के लिए आप सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए होंगे। अब बता दूं कि क्लर्क का जो एग्जाम होगा ना, वो नॉर्मली जैसे आप कोई भी 10th 12th लेवल का एग्जाम में आप बैठते हो, SSC वगैरह का, समझिए सेम ही पैटर्न होगा। उसमें आपको जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी फिलहाल एग्जाम की पैटर्न जारी नहीं की गई है, इसलिए जैसे ही इसका कुछ डिटेल मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। फिलहाल ये चारों सब्जेक्ट पे फोकस करते रहिएगा। अब ये बात आती है कि जॉब की लोकेशन क्या होगी। पहले ही बता दिया है कि दिल्ली एयरफोर्स कैंटीन में है, तो न्यू दिल्ली के अंदर आपका जॉब लोकेशन रहेगा। सैलरी आपका 15,000 से 20,000 के बीच में रहेगा। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म मेरे टेलीग्राम से आप डाउनलोड करेंगे, उसको प्रिंट निकालने के बाद अच्छे से जहां पे जो फिल करना है फिल करने के बाद पोस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो पोस्ट करेंगे तो वो आपका किस एड्रेस पे जाएगा, यूनिट रन कैंटीन 27ED एयरफोर्स स्टेशन प्रहलादपुर न्यू दिल्ली, ये आपका है जो पोस्ट से भेजेंगे वो। लेकिन अगर आप दिल्ली के निवासी है या फिर आप उसके नियर बाई जगह से बिलोंग करते हैं, तो आप डायरेक्ट इन हैंड पोस्ट भी वहां जाके कर सकते हैं। उसके लिए जो आपका एड्रेस है, एम्प्लॉयमेंट बॉक्स एट मेन गार्ड रूम 27ED एयरफोर्स स्टेशन प्रहलादपुर न्यू दिल्ली। तो ये दोनों ही मैंने आपको बता दिया है और इस पोस्ट की सारी जानकारी दे दी गई है। टोटल पोस्ट कितना है, टोटल 5 पोस्ट पे वैकेंसी है। 2 हेल्पर के लिए है, बिलिंग कलर का एक है, एक अकाउंट्स कलर का और एक सफाई वाला का है। आई होप अब आप सारी जानकारी इसके बारे में समझ गए होंगे।
अब भी मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइए, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।